कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में हुंकार भरी है। यूपी के बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सीधे सीएम योगी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने सवाल पूछा कि यूपी में 4 साल में हुए एनकाउंटर में मारे जाने वाले 37% लोग मुस्लिम ही क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18% या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि थोक दो, थोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। असदुद्दीन ओवैसी के हमलों का जवाब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। मोहसिन रजा ने कहा, ओवैसी विभाजन की बात करते हैं, जिनके हितैषी बन रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर चलने की राय क्यों नहीं देते? भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने परसेंट मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव है कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए, भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे, लेकिन नेताओं ने अपनी अपनी बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं। इसी के तहत ओवैसी भी एक बार फिर धर्म का दाव चल रहे हैं। ओवैसी के दावों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है, मगर यूपी की जनता किस पर भरोसा करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।